सीओ साहब पहली बात तो ये कार्यकर्ता एक भी मन में ठेस लेकर जाएगा जो आपने शब्द यूज करे। मेरठ में जले पशु के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई, जिस पर हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गाय को जिंदा जलाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान हिंदू संगठन के नेताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक और झड़प हुई। हिंदू संगठनों के लोगों का आरोप है कि वो पुलिस से गाय को जिंदा जलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस पर उनसे अभद्र व्यवहार करते हुए मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। पुलिस की इस धमकी पर हंगामा कर रही भीड़ भड़क गई और फिर सड़क पर लोगों ने जमकर बवाल काटा। सीओ साहब पहली बात तो ये कार्यकर्ता एक भी मन में ठेस लेकर जाएगा जो आपने शब्द यूज करे। दरअसल शहर के थाना रेलवे रोड इलाके में एक पशु के जले अवशेष मिलने की सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सड़क पर हंगामा होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच घटना को लेकर तीखी झड़प हुई। हिंदू संगठनों के लोगों का आरोप है कि गाय को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारा गया है, लेकिन भीड़ के इस मामले में सड़क जाम करने पर पुलिस से उनकी बहस हो गई, जिस पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें मुकदमा दर्ज करने और लाठियां भाजने की धमकी दी है। हंगामा को बवाल में बदलने की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने किसी तरह हंगामा कर रहे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के व्यवहार को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बवाल जारी रखा। मेरठ से थाना रेलवे रोड क्षेत्र में गाय को जलाया गया है और जब विश्व हिंदू परिषद के और हिंदू संगठनों के जो लोग पहुंचे तो वहाँ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया कार्यकर्ताओं के साथ, और इतना व्यवहार किया कि यदि आप इस गाय के विषय को लेकर सड़क जाम या कुछ भी करोगे तो हम मुकदमा पंजीकृत करेंगे, लाठियाँ भाजेंगे। जिस तरीके का कार्यशैली है मेरठ की पुलिस की, ये बहुत ही निंदनीय है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या ऊपर से ये आदेश दे रहे हैं पुलिस को कि अगर कहीं गाय का जला के गाय को मार दिया जाए और उस गाय के संरक्षण में अगर जो है हिंदू समाज के लोग अगर वहाँ एकत्र होकर और उसकी मांग करें कि भाई जो आरोपी किसी भी धर्म का हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, रासुका की मांग अगर इसमें कर रहे हैं तो क्या पुलिस का ये निंदनीय है कि इस तरीके से अगर कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाने की बात और लाठी चार्ज करने की बात अगर पुलिस करेगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरा बस यही निवेदन है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को कम से ऊपर से निर्देश दें कि जो सही बात को लेकर सही विषय को लेकर समाज के अंदर अगर खड़ा हो रहा है आप अपनी बात को रख रहा है तो क्या पुलिस मुकदमे दर्ज करेगी लाठी चार्ज करेगी। इस घटना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस जगह गाय को जलाया गया है वो निंदनीय है, लेकिन घटना स्थल से 10 मीटर की दूरी पर पुलिस के चेक पोस्ट और कुछ ही दूरी पर थाना है, फिर भी इस तरीके की घटना होना सरासर गलत है। गाय के साथ इस तरीके का गलत कार्य करने वाले के खिलाफ रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय उनको धमका रही है। 24 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी हो जिसने गाय को जलाया। आज तक मैंने गाय का गोवंश की हत्या होती सुना था, लेकिन जिस तरीके से गाय को जलाया गया ये बड़ी निंदनीय है। और मेरठ पुलिस ऑन रोड 10 मीटर पे 20 मीटर पे चौकी है, चेक पोस्ट है यहाँ पे। जब भी अगर इस तरीके की गश्त जो रात को होती है, रात को जला दिन में 24 घंटे गश्त रोड है, थाना रेलवे रोड पड़ता है और यहाँ कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, तो सबसे हमारी ये मांग है जो व्यवहार है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं जिस तरीके की पहुंचे अधिकारी हैं जिनको ये निर्देश दिए गए हैं कि ऊपर से जो है जो भी अगर कोई गाय का जलना होगा या गोवंश होगा या कोई हिंदुत्व की बात करेगा तो उस पर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, उसकी जो है गिरफ्तारी तो उनकी होनी चाहिए जो गाय को जला रहे हैं, गिरफ्तारी हम लोग ही करें। इस घटना पर SP सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और जले हुए पशु के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि पशु की कई दिन पहले मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच की जाएगी, जिसने पशु को जलाया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना रेलवे रोड क्षेत्र में किसी पशु की हड्डियों के जले हुए अवशेष मिले थे। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर हड्डियों को अपने कब्जे में लिया गया। CVO द्वारा सैंपल कलेक्ट कर लिया गया। CVO द्वारा बताया गया प्रथम दृष्टया ये किसी मृत पशु के अवशेष जो लंबे समय पहले मर चुका था। यहाँ पर इन हड्डियों को किसने जलाया तथा किस पशु के अवशेष हैं इसके बारे में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है तथा इसमें अगले विधि कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी में गाय को लेकर आए दिन हिंदू संगठनों के हंगामा करने की घटनाएं सामने आती हैं। सड़कों पर भीड़ द्वारा जाम लगाकर बवाल काटा जाता है।
प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी झड़प भी होती है। सड़क जाम करने को लेकर ही मेरठ में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही, जिस पर हिंदू संगठनों के प्रदर्शनकारी भड़क गए और बवाल कर दिया। हालांकि आला अधिकारियों की सूझबूझ से फिलहाल मामला शांत हो गया है, लेकिन संगठनों की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जारी है। गाय के अवशेष का पुलिस चेक पोस्ट के पास मिलने से भीड़ पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही है। लोगों को ऐसी आशंका है कि ये घटना कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत से अंजाम दी गई है। हालांकि हिंदू संगठनों के दबाव में पुलिस फिलहाल घटना की जांच में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।